पायो बोनी पार, उसकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। अरे भेद कोनी जानू रे दयालु दीनाना, पर गिरवर धारियो ने परसियो कुशल धार, नक पर गिरवर धारियो परसियो कुशल धार। हो अरी भाई मां जग में न्यारी रे दयालु श्री देव नारायण भगवान की। समराधारी माया को पायो कोई ना पार, भेद को नहीं जानू रे दयालु दीनानाथ। उधर रान के राजा को मालूम हुआ कि वो छोटे से बालक ने चार चार ब्राह्मण से मारियो नहीं गयो, दो दो दासी से मारियो नहीं गयो। रान के राजा को समय क्रोध आया, राजा ने विचार किया अब मैं स्वयं भोज लेकर के जाऊंगा और गढ़ गोठा नगरी में देव नारायण को समाप्त करके आऊंगा। उधर रान के राजा भोज बना रहे हैं, तब तक माता साड़ू इधर घबरा गई। महाराज क्यों घबराई? अरे भगवान चार चार विप्र आया मारो लाल नहीं मरियो, दो दो दासी आई नहीं मरियो, अब राणा जी फौज लेके आ जाएगा तो मेरे देव को समाप्त कर देगा।
जय हो। दुखियारी साडू मैया मन में विचार करियो कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, अब लाला को लेकर के मैं मेरे पियर उज्जैन नगर चली जाऊं, जो मालव में मेरा लाल बड़ा हो जाएगा। जय हो। और बड़ा होने के बाद में मैं वापस इस उजड़ खेड़े को बसा सकती हूँ, बाकी अब छोटा मेरा गोपाल है और उसे मारना चाह रहा रण का राव है, तो अब मैं पीहर के पड़ोस में चली जाऊं। साडू मैया में दुख आयो तो साडू मैया ने कोरो कागज लियो, सर्वप्रथम पत्र पिताजी के पास में सती भेज रही है। ताकि बेटी जन्म दुखियारी पावे कष्ट या पार, जिनकी गोद में बालक जन्म्यो मारे बोचावे रण का राव। अरे मारे दुखड़ो है अब रम पा ओंकार एक सतनाम।